हाँ नो ही डजंट। कुल्हड़ वाली उबलती हुई चाय ये देखो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो, और आप सभी भाई लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी हम लोग हैं यहाँ पे मसूरी में, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोग घूम घाम के माल रोड से वापस घर को आए थे। तो अभी सुबह का 9 बज रहा है और धूप आप लोग देख रहे हो कितनी तेज आ रही है यहाँ पे। कोको इज रेडी, ये बालकनी में झांक रहा है, और सामान कुछ हम लोग पैक करने के लिए रेडी हैं। तो कुछ सामान पैक हो रहा है, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अनुराग नहाने गया और बाहर का व्यू एक बार इस साइड से दिखाऊं मैं आपको, तो देखो यार कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। ये देखो, मतलब आंखें, मज़ा आ जाता है आंखों को देख के कि जब मॉर्निंग इतनी प्यारी हो और धूप इतनी प्यारी हो, ठंडी ठंडी हवा पर लगने के बाद काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बाहर का जो फ्रंट व्यू है वो कैसा दिखता है, तो चलो आज दिखाते हैं आपको। जा रहा है मस्त झूमते हुए, क्योंकि कोको को बाहर तो बहुत पसंद रही है ना कोको। अभी कोको झूला भी झूल रहा था, और ये देखो कुछ बाहर का नज़ारा हमारी बालकनी से, इस साइड का जो फ्रंट की है बालकनी, देखा है होगा आप लोगों ने, काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे कोको खूब मस्ती कर रहा था। ये देखो अभी भी क्या हो गया इसको मज़ा आ रहा है ऐसे ही। यहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय वाय पी के बस 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं, क्योंकि सफ़र थोड़ा है 7 घंटे का है, क्योंकि आज हमें डायरेक्ट जाना है दिल्ली। तो दिल्ली निकलने के लिए हमें यहाँ से अभी अगर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 6 घंटे 6.5 घंटे दिखा रहा है, पर हमें लग जाएगा 8-8.5 घंटे तक रुका के खाना पीना खाते हुए। कोको भी साथ में है, थोड़ा आराम से जाएंगे हम लोग। तो बस आई होप, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को आगे की आने वाली अपडेट मिलती रहे, और आई होप आप लोग भी इंजॉय करते रहेंगे। तो बाकी चलते हैं यहाँ से फटाफट, जा रहा हूँ मैं, चल 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 चल। तो फिलहाल हम लोग हो चुके हैं रेडी, कोको भी रेडी होके बैठा हुआ है। वैसे तो धूप हो रही है, पर हमने फिर भी से पहना दिया है, क्योंकि अभी हम पहाड़ों में हैं और हवा लग सकती है। हमारी बाइकें रेडी हो चुकी हैं, और ये देखो अनुराग भाई अपने हेलमेट वेलमेट पहन के, बस अब हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं पहले देहरादून। चाय वाय हमने पी ली है, पर अभी नाश्ता नहीं किया है, तो चलो देहरादून पहुँचते पहले पहाड़ों से निकलते हैं और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। तो फिलहाल अब आ चुकी है रोड हमारी UK 09 रेस्टोरेंट, और ये देख रहे हैं मतलब अब सफ़र ख़त्म होने की ओर है। पहाड़ 1-1.5 घंटे बाद पहाड़ जो है थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये कुछ लास्ट दर्शन हैं पहाड़ों के, यार कर लो मज़े से। हम भी मतलब नीचे जाके वापस वही गर्मी, वही दिल्ली, वही ट्रैफिक, वही कंजेशन, वही पोल्यूशन, क्या क्या बताऊँ, मतलब यार दिमाग ख़राब हो जाता है वापस जाके, ऐसा लगता है यहाँ से निकाल के भट्टी में डाल दिया गया हो। तो ये कुछ लास्ट नज़ारे हैं, नीचे शहर दिख रहा है, और बस हम कुछ 2-3 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, हम नीचे देहरादून पहुँच जाएँगे और उसके बाद वापस प्लेन। तो चलो अब नाश्ते वाला स्पॉट ढूंढते हैं पहले। तो हम यहाँ पे एक मंदिर है, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, क्या प्यारा बना रखा है रेड कॉम्बो के साथ, जय महाकाल जय महादेव, मतलब महाकाल अब मिल गए हैं, तो अब तो सफ़र अच्छा होने वाला ही है यहाँ तक है प्रॉब्ली। तो आई होप आप लोग भी मज़े कर रहे होंगे, सभी भाई लोगों को जय महाकाल, और अब आगे का सफ़र काटते हैं, पर अब तो भूख लगी है, उसका देखते हैं कहाँ पे क्या मिलेगा। तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे देहरादून के पास, थ्रॉटल शॉटल है मसूरी रोड पे, तो इत्तेफाक से हमें कैफ़े दिख गया, तो हमने कहा चलो मज़ा आ गया फिर तो नहीं है, हाय हाँ हाँ वाई नॉट वी कैन, आर वी अलाउड टू डू दैट, ओके हाँ ऊपर ले जा सकते हो, चलो फिर ऊपर लेके चलते हैं, ये भैया ने बोला बाइक ऊपर ही ले जाओ, तो चलो कोको ऊपर ही चलते हैं फिर सीधे। तो ये देखो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे थ्रॉटल शॉटल कैफे, हाय कोको, चलो कोको को अनलेश करें पहले, तो रुक जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, गुड बॉय भैया ने हमारा वेलकम किया कोको का भी बढ़िया से, आ जाओ
या एवरीवेयर हाँ हाँ आप कहाँ से दिल्ली से कोको सुनो इधर इधर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हाँ हाँ नो ही डजंट बॉय मेल ओके हाँ दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट रुक जाओ कोको तो चलो पहले कोको थोड़ा सा वॉक करा के आते हैं हम नाम आपका तरुण ये तरुण भाई हैं जो यहाँ पे मसूरी रोड पे कौन सी जगह है गोटाल के तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हमने अदर सिटीज में गुड़गांव वगैरह में देखे हैं ये देखो यहाँ पे मतलब अगर कभी डरा ना हो बाइक राइड करके तो यहाँ पे बाइक्स भी अलाउड है और पेट्स भी अलाउड है तो आप पेट्स भी ला सकते हो और बाकी यहाँ पे चीज़ें भी ये देखो अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे हिमालयन और यहाँ पे एक डॉग वो है अंदर ओए ये देखो छोटू सा और बाकी यहाँ सारे लोग मस्ती कर रहे हैं काफ़ी अच्छा बना रखा है इधर ये पीछे बैकयार्ड है रेस्टरूम है बैठने को बैठ सकते हो और पीछे बैकयार्ड है क्या आपके पास पेट है तो पीछे घूम भी सकता है ये देखो तो कोको अंदर आ जाओ चलो कोको तू ही एक अकेला घूम रहा है फ्री बाकी सारे बंदे हुए हैं तो चलो अब करते हैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता काफ़ी अच्छा है चलो तरुण भाई मिलते हैं फिर ठीक है अच्छा लगा आपसे मिलके यहाँ टाइम स्पेंड करके एम्बियंस बहुत ही अच्छा था हाँ वो बंद हो जाएगी तो भाई काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे थ्रोटल शोटल में रुके नाश्ता वास्ता किया मज़ा आया कोको तो जहाँ जाता है वहाँ पे तो मज़ा आ ही जाता है क्योंकि क्राउड इकट्ठा कर देता है कोको बाकी यहाँ पे जो हमारे तरुण भाई थे थ्रोटल शोटल में जो टेक केयर कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था मिलके अच्छा लगा उनसे और मज़ा आया और ये देखो कुछ राइडर्स जा रहे हैं थम्स अप करते हुए वो भी कहीं की जर्नी कर रहे हैं और हम भी अब निकल पड़े हैं वापस घर की ओर तो देखते हैं अब यहाँ से कितना समय लग रहा है GPS दिखा रहा है 6 घंटे 6.5 घंटे बट ऑब्वियसली थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेट्स सी कितना लगता है तो पहले तो थोड़ा सा और रह गया वैसे तो प्लेन आ ही गया है आप देख रहे होगे बट 2-4 किलोमीटर की बात है हम बिल्कुल नॉर्मल मुजफ्फरनगर वाली साइड पर आ जाएंगे बिल्कुल प्लेन सहारनपुर वाली रोड पर तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धूप हो चुकी है कोको को गर्मी लगने लगेगी इससे पहले हम लोग यहाँ से निकले तो चलो फटाफट चलते हैं बाकी रास्ते में जो कुछ होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे क्या बात है कुल्लड़ वाली उबलती हुई चाय ये देखो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में अब हमारी वीडियोस में भी देखना अब आएगा स्वाद मिट्टी का लक्ष्मी ढाबा पंजाबी लक्ष्मी ढाबा सहारनपुर तिराहे पे क्या बात है मज़ेदार भाई साहब क्या नाम है आपका अनुज कुमार जी हमें बेहतरीन चाय पिलाने जा रहे हैं तो फिलहाल चाय वाय पी के सहारनपुर तिराहे से वो बढ़िया तंदूरी चाय कुल्लड़ में स्वाद आ गया थोड़ी एनर्जी सी आ गई आलसा ख़त्म हो गया तो अब कोको आराम से वापस बैठ चुका है कोको का भाई मिल गया था एक रिट्रीवर ही वो कार से घूम रहे थे हम बाइक से घूम रहे हैं तो वी आर नॉट सेम रो काइंड ऑफ स्टफ तो अभी वहाँ से निकल चुके हैं अब यहाँ से कुछ 2.5 घंटा दिखा रहा है दिल्ली और 3.5 घंटा दिखा रहा है घर तो चलो अब यार घर पहुँचते हैं पहले बहुत टाइम हो गया क्योंकि 3:30 बज चुके हैं पहुँचते पहुँचते 7:30 बज जाएगा अच्छी बात है थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा थोड़ी सी धूप निकल जाएगी मौसम ठंडा सा हो जाएगा तो कोको के लिए अच्छा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं अब घर बाय 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 अच्छा थैंक यू बिल्कुल बाय बाय तो फिलहाल हम लोग घर पहुंच चुके हैं मैं और कोको सेफली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा जैसे कोको को मज़ा आया मुझे मज़ा आया आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो अगर कोई सजेशन हो कोई कमेंट हो
कुछ हो तो बताना, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।